धौलपुर में आसमान से बरसी बारिश किसानों के लिए आफत बनती जा रही है। तालाब, पोखर, जलाशय और खेत खलिहान पानी से भर चुके हैं। धौलपुर शहर समेत ग्रामीण इलाकों में भी पानी भर चुका है। खरीफ फसल के लिए बारिश काफी नुकसानदायक साबित हो रही है। खेतों में खड़ी फसल चौपट होने के कगार पर पहुंच गई है। बारिश से किसानों को मवेशी पालने के लिए चारे का भी संकट खड़ा हो गया है। धौलपुर जिले में हुई बारिश ने किसानों के अरमानों पर पानी फेर दिया है। लगभग 640 mm बारिश अभी तक हो चुकी है। जो खरीफ की फसल है, बाजरा, दलहन, तिलहन, ग्वार, ज्वार, मक्का, इसके अलावा जो नकदी की फसलें होती हैं, सब्जी की, हरी मिर्च, टमाटर, पालक, भिंडी, जो भी हैं, आप देख सकते हैं ये जो जल भराव हो रहा है, ये खरीफ फसल है। किसी ने बाजरा बोया है, किसी ने दलहन, किसी ने तिलहन, किसी ने ज्वार ग्वार, फसल पूरी तरह से चौपट हो रही है और सड़ने के कगार पर फसल पहुंच रही है। तो किसानों का इस समय जो बारिश हुई है, भारी नुकसान हो रहा है। हमारे साथ यहाँ के कुछ स्थानीय किसान हैं और क्या क्या उनकी स्थिति है, कितना नुकसान हो रहा है, आप बताएंगे। साहब, आपका नाम क्या है? नाम कोक सिंह है साहब। क्या स्थिति है इस समय फसल की आपकी? बिल्कुल एकदम बेकार चल रही है और पानी बहुत ज्यादा भर रहा है, खेतों में पानी भरा हुआ है। किस किस फसल में इससे नुकसान है सबसे ज्यादा? सारी चीज में, बाजरा भाजरा जो तुम्हारा कोई भी फसल नहीं है फिलहाल, तो इसमें सब गल चुकी है। तिली है, जैसे उड़द, मूंग, जो भी फसलें हैं, दाल की भी फसलें होती हैं, है सब तिली है, मूंग है, बाजरा है, ग्वार है, सब फिलहाल जो पानी भरा हुआ है खेतों में, तो आपको क्या लग रहा है ये कब तक सूख सकता है ये पानी? ये फिलहाल तो महीने लग जाएंगे, फसल में नुकसान कितना है? फसल तो बहुत ज्यादा है, फसल में नुकसान, ग्वार है, मूंग है, तिली है, बाजरा है, जोड़ी है। जी जी साहब, क्या स्थिति है फसल की? फसल तो सब नष्ट हो गई, नष्ट हो गई सब। अच्छा, बाजरा, तिली, उड़द, मूंग, सब चीज स्थिति ऐसी है यहाँ का, उसी कोई बुरा है। पशु को तो परेशानी, इंसान को तो परेशानी। हाँ, फसल तो पूरी नष्ट ही है, जो जितनी करी है किसान ने फसल, हाँ जो सब नष्ट है। आपने क्या बोया था खेत में? बाजरो, तिली, ज्वार, हाँ ये सब बोए। क्या स्थिति है? सब बिल्कुल खत्म काम है, सब पूरा टोटल फसल का। फसल को देख लो, मैंने पशु को चारा लगाओ, चरी भूकू खत्म कर दो, मार दो पूरी पूरी की पूरी। उद्ध लगाए और बाजरा हो पूरा खत्म है। देख सकते हैं कि किसानों का यहाँ पर दर्द है, जो फसल है। एक बार मैं खेतों में जाके स्थिति आपको दिखाना चाहूंगा। मेरे सहयोगी आए, एक किसान है, युवा किसान है, वो भी लेके आ रहा है, चारा लेके आ रहा है। पोजीशन क्या हो रही है इस समय फसल की, और जो चारा है किसान का वो पूरी तरह से चौपट है, और जो फसल है इस समय वो लगभग सड़ने के कगार पर पहुंच चुकी है। एक मिनट, आप बताएंगे आपका नाम? सजन। क्या लेके आए आप इसमें पोटली में? चारा लेके आए। नहीं, क्या स्थिति है तो फसल की? क्या बहुत बेकार स्थिति है, बेकार स्थिति है, बहुत बेकार है। सीधे तौर पर गिरदावरी कराकर उचित मुआवजे की मांग कर रहे हैं। सहयोगी गोपेश के साथ नीरज शर्मा, NDTV धौलपुर। दौसा में भारी बारिश से लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। पानी की निकासी की उचित व्यवस्था नहीं होने के कारण कॉलोनियों के रास्ते में घुटनों